हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, तो हम आज क्या करते हैं कि अब प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3.5, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 तक तो ऑलमोस्ट सभी लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3 थ्री सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क में दिया था सैटरडे को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट किए थे सैटरडे को, नहीं मंडे को। और क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करेंगे और 9, 10, 11 आपको होमवर्क देंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मैं उसे वीडियो के थ्रू आपके पास सेंड करूंगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें फाइंड द रिमाइंडर निकालना है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम को। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स प्लस 7। क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है इन ब्रैकेट 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। एंड थर्ड क्वेश्चन है सेकेंड ब्रैकेट में 54 m³ प्लस 18 m² माइनस 27 m प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स m माइनस 3। तो आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट सब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट था x प्लस 1। ओके, तो हमने सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के पी एक्स इक्वल टू, हमने क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स में वेरिएबल है तो हमने पी एक्स लिया हूं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देयर फॉर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो अब एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस 1 से। तो पी इन ब्रैकेट माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इन ब्रैकेट माइनस 1 अब प्लस 9। और देयर फॉर पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस 7 और माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 7 अब प्लस 9। तो देयरफॉर पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1 अब प्लस 7 8 अब प्लस 9 17। तो देयरफॉर पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 17। तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर इक्वल टू 17। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये क्वेश्चन x में वेरिएबल है इसीलिए हमने इसे लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a और g ऑफ x इक्वल टू x माइनस a। तो देयरफॉर x माइनस a इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू a। अब इस x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? a से रिप्लेस करें, जहां पर भी x होगा वहां हम a लिख लेंगे। तो दिस इंप्लाई, यहाँ p ऑफ x है तो अब हो जाएगा दिस इंप्लाई p ऑफ a इक्वल टू 2x इसको क्यू है तो 2x, x की जगह a लिखेंगे तो 2 इन ब्रैकेट ax³ माइनस 2 इन ब्रैकेट ax² प्लस a इंटू a और माइनस a। ओके, फिर दिस इंप्लाई p ऑफ a इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² प्लस a² माइनस a, या दिस इंप्लाई पी ऑफ ए इक्वल टू 2x³
माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस टू ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर मिलकर हो गया माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए, तो रिमाइंडर इक्वल टू 2x³ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, तो आपका रिमाइंडर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक पॉलिनोमियल m में वेरिएबल है तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ m। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है p ऑफ m इक्वल टू 54 m³ प्लस 18 m² माइनस 27 m और प्लस 5, और g ऑफ m इक्वल टू a माइनस 3, तो देयर फोर m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयर फोर m इक्वल टू 3। अब m को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से, तो दिस इंप्लाई p ऑफ 3 इक्वल टू 54 इन ब्रैकेट 3 का क्यूब प्लस 18 इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 23 माइनस 27 इन ब्रैकेट 3 और प्लस 5, तो दिस इंप्लाई p ऑफ 3 इक्वल टू 54 इंटू 27 प्लस 18 इंटू 9 माइनस 23 27 इंटू 3 81 और प्लस 7, या दिस इंप्लाई p ऑफ 3 इक्वल टू 54 इंटू 27 1458 प्लस 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162 प्लस 5 माइनस 81। तो दिस इंप्लाई p ऑफ 3 इक्वल टू, सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास है 1625 माइनस 81, तो देयर फोर p ऑफ 3 इक्वल टू 1544, तो देयर रिमाइंडर इक्वल टू आया 1544। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर आपको निकाला। तो मैंने दोनों क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर लिए थे जितने लोग होमवर्क सेंड किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20 कॉमा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m का वैल्यू निकालना है, ओके okay? और ये बोला है, सो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन में ही कि इफ x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो x माइनस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको पता है जब ये फैक्टर है तो पोलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो करेगा। इस फैक्टर है तो जीरो करेगा उस पोलिनोमियल को, मैंने यही तो फैक्टर थ्योरम होता है कि जो टर्म जो पोलिनोमियल का फैक्टर होता है मतलब वो टर्म पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है से उस पोलिनोमियल को जीरो करेगा। तो यहाँ पर बोला है कि एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, मीन्स एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ x³ माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ओके। तो हम लिखे हैं सोल्यूशन बाय फैक्टर थ्योरम कॉमा, इफ x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ द गिवेन पोलिनोमियल। गिवेन पोलिनोमियल मीन्स आपकी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पोलिनोमियल, तो देन p ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, ओके। और ये पोलिनोमियल किस में वेरिएबल है, एक्स में वेरिएबल है, तो हमने लिखा p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अब हम x को किसे रिप्लेस करेंगे, 2 से, तो हम लिखा देयर फोर p ऑफ 2 इक्वल टू ए 2q माइनस एम इन ब्रेकेट 2² प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, तो देयर फोर
देयरफॉर पी ऑफ टू इक्वल टू क्या है, जीरो, यहाँ हमने लिखा है देयरफॉर, देन पी ऑफ टू इक्वल टू जीरो, तो हमने लिखा देयरफॉर पी ऑफ टू इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस टू क्या है, इस पॉलिनोमियल का वेक्टर है, तो देयरफॉर हमने टू का क्यूब 8 माइनस 4 m +20 -20 इक्वल टू जीरो, तो +20 -20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हो गया देयर फोर 8 माइनस 4 m इक्वल टू जीरो, या देयर फोर 8 इक्वल टू 4 m, या देयर फोर 8 m = 8/4, तो देयर फोर 8 = 2, द वैल्यूज ऑफ द 8 = 2, द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ 8 = 2, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल इस एम का वैल्यू फाइंड किया, कितना आया 2, क्या दिया था इसमें, इसमें दिया था कि इफ एम माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एम एम एक्स स्क्वायर +10x - 20, तो उसमें से हमें एम निकालना था, जबकि एक्स माइनस टू इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है, तो इस तरह से एम द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर 8 मैंने एक्सप्लेन किया, और वो आपको एक्सप्लेन करके मैंने m का वैल्यू निकाला, m इक्वल टू 2। तो दोस्तों आप वीडियो को सीरियस देखिए, जहां भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या मुझे कॉलिंग करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 चल कंटिन्यू किए हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं जो आपको होमवर्क दूंगा, मैं तो होमवर्क चेक करूंगा, उसमें जो भी डाउट होगा आप मुझसे डाउट पूछिए। आप किसी का फोटोकॉपी मत करिए, आप किसी का देखकर नकल करके, या किसी का होमवर्क आ गया उसका फोटोकॉपी करके मुझे सेंड करेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, डाउट पूछिए, बहुत कम लड़के डाउट पूछते ही नहीं है, अब पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। कुछ लड़के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपने अनुसार उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप डाउट पूछिए। तो आज मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं आपको वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूंगा। तो ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।